दोस्तों आज भी कुछ कमाल के नए लॉन्च हुए हैं और साथ में कुछ कमाल की टेक न्यूज भी निकल के आई हैं। तो आज के एपिसोड में सबको पिरो के लेके आ गए हैं, जानने के लिए लास्ट तक देखिए वीडियो। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। तो सबसे पहले बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी F42 5G के बारे में। ये आज इंडिया में लॉन्च हो गया है। फ्लिपकार्ट पर आप इस फोन को चेक भी कर सकते हैं। 20,999 रुपए इंट्रोड्यूसरी प्राइस कंपनी ने अभी रखे हैं। ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट डिस्प्ले है, ऑक्टा कोर मीडिया टेक डेमेसिटी 700 चिपसेट इस फोन में कंपनी ने दिया है। अब फोन दोस्तों इंडिया में 12 डिफरेंट 5G बैंड्स को सपोर्ट करेगा। बाकी देखते हैं दोस्तों सेल के बाद कंपनी को कैसा रिस्पॉन्स इस फोन को लेके मिलता है। सैमसंग के बाद शाओमी ने भी अपना नया 5G फोन आज इंडियन मार्केट में लॉन्च किया है, शाओमी मी 11 लाइट NE 5G। अब ये फोन वैसे तो दोस्तों चाइना में पिछले महीने मी 11T और मी 11T प्रो के साथ लॉन्च हो चुका है, लेकिन इंडिया में आज लॉन्च हुआ है क्वालकॉम सिस्टम का 778G चिपसेट के साथ में। 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। पीछे की तरफ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है 64 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर के साथ में। अब यहां पर आपको प्राइस भी बता देता हूं, 26,999 रुपए प्राइस रखी है, 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट की। खबर है कि यूएस के अंदर अमेजॉन ने दो नई इको डिवाइसेस को आज लॉन्च किया है। अमेजॉन इको शो 15 ये वॉल माउंटेड डिजाइन के साथ आ रही है, मतलब दीवार पर इसे आसानी से लगाया जा सकता है। 15 इंच का डिस्प्ले है इसमें। यहां पर न्यूरल इंजन AZ2 यूज किया गया है इस इको शो 15 में, जिसकी प्राइस $249 रखी है। इंडियन करेंसी में तकरीबन 18,000 के आसपास इसकी प्राइस रहती है। जबकि किड्स को ध्यान में रखकर अमेजॉन ने ग्लो नाम से एक नई डिवाइस लॉन्च की है, जो कि स्पेशली बच्चों को ध्यान में रखकर लॉन्च की गई है। इसकी प्राइस $299 है, जो कि तकरीबन 24,000 के आसपास इंडियन करेंसी में रहती है। इस साल के बाद तक ये नई इको डिवाइसेस मिलना शुरू हो जाएंगी। इंडिया के बारे में दोस्तों अभी कुछ भी नहीं कहा गया है। साउथ कोरिया से एक बेहद ही दमदार खबर आ रही है। सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज पे साउथ कोरिया के अंदर एक नया अपडेट इस महीने दिया गया है, जिस अपडेट के बाद आप अपने स्मार्टफोन में ही डिजिटल कार की इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये बहुत ही कमाल का फीचर है दोस्तों सैमसंग के किसी भी फोन में। वैसे आपको बता दूं इस सीरीज के अंदर तीन फोन है, S21, S21 प्लस और S21 अल्ट्रा। इंडिया के अंदर भी ये अपडेट दोस्तों रोल आउट होना शुरू हो गया है, धीरे धीरे सभी फोन मिलना भी शुरू हो जाएगा। वैसे दोस्तों अगर आपको ये अपडेट नहीं मिला है तो एक बार चेक कर लीजिए जाकर सॉफ्टवेयर अपडेट्स में, हो सकता है अपडेट आ गया हो, और इंस्टॉल करके इस नए फीचर का मजा लीजिए। फ्लिपकार्ट ने बिग बिलियन डे से कुछ ही दिन पहले आज दोस्तों शुरुआत कर दी है अपनी कर्टन रेजर डील्स की। ये कर्टन रेजर डील दोस्तों कुछ एक्सक्लूसिव डील्स हैं, जो कि कुछ चुनी हुई डिवाइसेस पे दी जा रही हैं। अगर सीधे हम स्मार्टफोन्स की बात करें तो यहां पर आईफोन SE 2021 मॉडल पर भी आपको छूट मिल रही है, साथ में रियलमी 8i, इसके अलावा पोको X3 प्रो और आपको दूसरे फोन्स पर भी कमाल की डील मिल सकती है। तो अगर आपको ये कर्टन रेजर डील में फायदा उठाना है तो जाकर फटाफट से चेकआउट कर लीजिए फ्लिपकार्ट। Xiaomi ने अपनी दो डिवाइसेस की इंडिया में आज से ओपन सेल अनाउंस कर दी है। पहला है Xiaomi का बियर्ड ट्रिमर 2, जिसको कि 1999 रुपए में आप परचेस कर सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर मिलता है। इसमें आपको 14 डिफरेंट हेयर कट लेंथ का ऑप्शन मिलता है, IPX4 रेटिंग के साथ में आता है, यानी कि वाटर रेजिस्टेंस है। इसके अलावा दूसरा जो डिवाइस है वो है पावर बैंक, जो कि 20,000 mAh का है। इस पावर बैंक में हाइपरसोनिक आपको चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। अब दोस्तों अगर आपको परचेस करना है तो फिर मी वेबसाइट पर या एप्लीकेशन पे या फिर आप दूसरे शॉपिंग पोर्टल्स पर चेक कर सकते हैं। वन प्लस की नेक्स्ट जनरेशन ईयरबड्स यानी कि वन प्लस बर्ड Z2 के बारे में डिटेल निकल के ऑनलाइन सामने आ रही है कि ये अक्टूबर में कभी भी लॉन्च किए जा सकते हैं। डेट अभी कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन आने वाले इन Z2 बर्ड्स के बारे में दो चीजें निकल के सामने आ रही है। तो कलर ऑप्शन ब्लैक और व्हाइट मिलेंगे, साथ में इसमें बैटरी बैकअप आपको 38 घंटे तक का मिल सकता है। एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन भी हमें इसमें देखने को मिलेगा। अब दोस्तों इंतजार करते हैं ऑफिशियली कुछ इसकी डेट वगैरह अनाउंस होने का। और लास्ट में Xiaomi CV के बारे में, जो कि पिछले ही हफ्ते चाइना में लॉन्च किया गया है, लेकिन दोस्तों अभी तक ग्लोबल मार्केट के बारे में कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ था, लेकिन आज कंपनी ने कंफर्म कर दिया है ऑफिशियली कि Xiaomi CV को चाइनीज मार्केट के बाहर लॉन्च नहीं किया जाएगा। अब नहीं किया जाएगा तो दोस्तों इसमें कुछ नई बात नहीं है, धैर्य रखिए, जरूर ये फोन रीब्रांड होकर इंडिया और दूसरी मार्केट्स में किसी और नाम से आ सकता है। वैसे आपको बता दूं कि इसके कंपटीशन ऑलरेडी इंडिया में बहुत सारे हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G चिपसेट दिया गया है। 55 वॉट की आपको जरूर फास्ट चार्जिंग इसमें मिल रही है, और उसके अलावा पीछे की तरफ ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया है। वही CC को रीब्रांड करने का इस पे आरोप भी लगा था दोस्तों। बाकी आपको इंडिया में नहीं मिलेगा, नहीं लॉन्च होगा, उसके बारे में कुछ कहना है तो दोस्तों नीचे जरूर कमेंट करके बताइए। बाकी दोस्तों आज के एपिसोड में तो इतना ही, कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल, जुड़े रहिए हमारे साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।